ये हम लोग झंपीर में गोट याकूब बिरोई में मौजूद हैं। यहाँ पे 2-3 दिन पहले एक अंधोनाक वाकया पेश आया। हमारे 2 जवान साल जो है वो लड़के, नौजवान जिनको हम कहा जाए, वो शेर खान और अकरम, ये उनके भाई भी हैं और उनके भतीजे भी थे, तो उनको ये कोयले की काने हैं। इसमें अभी मैंने खुद भी देखा है कि 100 फिट नीचे जो है वो उन्होंने कुआं खोदा हुआ है और एक आदमी को ये 100 फिट नीचे जमीन में उतार देते हैं, मजीद आगे उसको जो है वो 600 फुट आगे बढ़ाते हैं। तो माइनिंग्स के रूल है, इट्स अ टेक्निकल मैटर, ये 100% टेक्निकल मैटर है और इसको टेक्निकली तौर पर जो एक्सपीरियंस लोग हों वही यहाँ पे माइनिंग्स के अहल हैं और करने के उनको जो है ना वो अख्तियारात हैं। लेकिन एक अंधेर नगरी है, एक बिल्कुल चौपट राज है यहाँ पे और सिर्फ कोहिस्तान राजूनी इत्तेहाद की एक आवाज़ है जो लोगों को मयसर है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी कोई बात करने को तैयार नहीं है यहाँ पे। और ये मजालिम ऐसे हैं कि ये कोयला जो है एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे कुदरती वसीलें, एक तो इन्होंने ये किया है कि हमारे इन कुदरती वसाइल पर कब्जा कर लिया है, ये मकामी जो लोग हैं इन्होंने हमारे इस कुदरती वसीले के ऊपर मकामी लोगों का राइट है, उनका हक है। होना तो ये चाहिए था कि ये माइनिंग्स जो यहाँ के टेक्निकल पढ़े लिखे एक्सपीरियंस लोग हैं वो ये माइनिंग्स करते और उनको ये लीजें दी जाती या उनके साथ जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप होती या इदारों को जो एज पर रूल्स वो फॉलो करते और उनको टेक्निकली ये चीज़ें मिलती ताकि मकामी लोगों को रोजगार मिलता, वो नहीं मिला। दूसरी जगह से लाए हुए लोग जिनका ताल्लुक न सिंध से है, हमारा कैपिटल है, राजधानी है कराची हमारे सिंध की, उससे है या कहीं और से भी उसका, सिंध के किसी और शहर से भी ताल्लुक नहीं है, वो किसी और प्रोविंस से आए हैं वो लोग, किसी और सूबे से, तो हमारे भाई हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन यकीनन सिंधी आदमी तो जाके केपीके में माइनिंग्स नहीं करता। आपको एक एग्जांपल दे दें, किसी एक सिंधी आदमी ने केपीके के अंदर कोई माइनिंग्स कर रहा हो या एक सिंधी आदमी कहीं और जाके किसी और प्रोविंस में माइनिंग्स कर रहा हो। यह वाहिद सूबा है, वाहिद कोहिस्तान का यह रीजन है जहां की कोल्स माइन में यह सरेआम वायलेशन कर रहे हैं, सरेआम जो है वो कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है, लोगों को अंधे कुओं में फेंक रहे हैं, 100 फीट का नीचे कुआं है जिसमें यह मजदूर को उतार, ये शेर खान हमारा बच्चा, ये अकरम, ये 100 फीट नीचे अंधे कुएं में फेंका गया विदाउट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, उसको नीचे उतारा गया, उसके बाद फिर उसको मजीद अंधेर धकेला गया कि जी वहां से आप खुदाई करें थ्रू आप सर्टेन जो है इक्विपमेंट, बगैर किसी इक्विपमेंट पे हाथों से या किसी बेलचे से खुदाई करके और कोयला निकाल के बाहर हमें दे और हम उसको उसकी क्या दिहाड़ी दे रहे थे, ये 1500 रुपए, 1500 रुपए दिहाड़ी उसकी उसको दे रहे थे। ऐसे बहुत से वाकयात माजी में हुए, कभी तो इन्होंने वो वाकयात फोकस ही नहीं किए, आज आपके तवस्सुत से, आपके YouTube चैनल के तवस्सुत से, आपके मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमने ये काम किया है। हमें जमात इस्लामी की तरफ से, कोहिस्तान राजूनी इत्तेहाद की तरफ से इन दोस्तों को यकीन दिलाता हूं कि इसके ऊपर हम बहुत सीरियस हैं, बहुत संजीदा हैं, हम इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे, ये आवाज हम बुलंद करेंगे और इसको हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। ये वायलेशन है सरेआम माइनिंग डिगिंग रूल्स की वायलेशन है, ये खुली दहशतगर्दी कर रहे हैं, इन्होंने बच्चों को हमारे कत्ल किया है, हम इनके ऊपर FIR करवाएंगे, इन लोगों के ऊपर इन्होंने ये चीजें जो की हैं हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोहिस्तान राजूनी इत्तेहाद का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने इस मामले पे भी आवाज उठाई है और हम बिल्कुल भरपूर साथ देंगे। जमात इस्लामी की तरफ से, अल खिज़मत फाउंडेशन की तरफ से मैं 50,000 रुपए का ऐलान करता हूं। ये एक तो हमारी पूरी वायलेशन कर रहे हैं इन रूल्स की और हमारे माहौलियात की जो है ये तबाही कर रहे हैं, ये हमारे जमीनों की तबाही कर रहे हैं, ये हमारे लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, ये माइनिंग्स डिपार्टमेंट जो है इसको होश के नाखल लेना चाहिए। ये माइनिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे एक तरफ तो कोयले के कानों में हमारे बंदे मरवा रहे हैं, सेकंडली इन्होंने जो गैर कानूनी डिगिंग हो रही है, ये सरफेस मिनरल्स जिसको हम रेती बजरी कहते हैं, उसूली तौर पे ये 10 फीट की डिगिंग होनी चाहिए, ये 10 फीट से ज्यादा ये खुदाई करके वो गैर कानूनी जो है काम और धंधे करके इन्होंने हमारे इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म जोड़ा हुआ है, मिली भगत है इन लोगों की, जिसके तहत हमारे फर्टाइल लैंड जो है, एग्रीकल्चर बेल्ट है, मैं कल्लो लियारी नदी के किनारे का जमींदार हूं, मेरे ले लहाते खेत और खलियान है, अब मुझे जिसके ऊपर मेरे बच्चों का और मेरा खुद एक जाती तौर पे गुजर है, ये उनको तबाह करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी छोटी सी एग्रीकल्चर बेल्ट है जिसमें सैकड़ों आदमियों का रोजगार है, अगर ये रेती बजरी इस तरह उठाते रहे दिन रात तो ये हमें तबाह कर देंगे, हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम FIR करेंगे इन लोगों के ऊपर जिन्होंने हमारे बच्चों को जो है इकराम और शेर खान के जो कातिल हैं, हम उनके ऊपर FIR करेंगे। SSP साहब, DIG साहब, इसका नोटिस लें।